यार अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी लाइफ का ऐसा कौन सा फेज था जहां तुमने बहुत बकचोदियां की और जिंदगी की सबसे अच्छी यादें बनाई, जब तुम्हें लगता था कि ये पेंसिल तुम्हारी जिंदगी की सारी फैंटेसीज पूरी करेगी, या जब तुम परफ्यूम डेरेजर के नशे किया करते थे, या फिर जब तुम अपने आप को डाविंची का बाप घोषित करके पेंसिल के छिलकों से रबर बनाने में लगे हुए थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे मेरे हम सब के प्यारे स्कूल टाइम के बारे में। वो स्कूल सिस्टम जो तुम्हारे पूरे 12 साल के जीवन की गांड मार देता था सिर्फ एटम के बाप का, दादा का, भाई का, सबका साइज लेने में। यहाँ पे तुम्हें लाइफ में काम आने वाली चीजें नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि ऐसी चीजें सिखा दी जाती है जिसको कहाँ इम्प्लाय करना है इनको खुद मालूम नहीं होता है। तो यार तुम्हें तो याद ही होगा वो दिन जब तुम्हें पहली बार स्कूल ले जाया गया, या फिर कहे जबरन स्कूल में फेंका गया। इस समय एक बच्चे के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल रहता है, मेरी गलता आज ला वीडियो बनना पड़ेगा, क्योंकि यार तुम्हारा इतने साल का प्यारा सा रूटीन ब्रेक जो हो रहा होता है। अब पिट कुट के तुम स्कूल के लिए रेडी होते हो और मजबूरन स्कूल जाते हो। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया। तो यार बचपन का स्कूल एक चॉकलेटी वर्ल्ड की तरह होता है। तुम्हें यहाँ अलग अलग कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जैसे मासूम से दिखने वाले लंगूर के बच्चे, जानवर की तरह पीटने वाले मैथ्स के टीचर, बच्चों को गंदी नजरों से देखने वाले ठरकी बुड्ढे, सब मिलते हैं यहाँ। लेकिन तुम्हें सबसे दोस्ती करनी होती है, हर एक्टिविटी में पार्ट लेना होता है और हर जगह अपनी नाक घुसेड़नी होती है। क्यों? क्योंकि बकचोदी किसको नहीं चाहिए होती है अपनी जिंदगी में। अब यह तो हुई आम जिंदगी, लेकिन हैविंग सम एक्सेप्शंस, मैं और मेरा दोस्त जो कि लोगों की गांडे देख के लोगों का पूरा कैरेक्टर जज कर लेता है, फॉर नो रीजन एट ऑल हम स्कूल अपनी टीचर ताड़ने जाते थे। सूट में तो करार लगती थी, हमारी वाली मैडम तो गुस्से में भी बवाल लगती थी। क्या बात है सर, ये बात है। यहाँ तक आपकी जिंदगी मस्त चल रही होती है, ना फेल होने का डर होता है, ना पास होने की खुशी। आप अपने दोस्तों के बेंच पे पेन रख के ना जाने कितनी ही बार उनके अनमोल तरबूज फोड़ चुके होते हैं। यहाँ तक आपको यार अडल्ट दुनिया का भी ज्ञान हो जाता है थोड़ा बहुत, और अब तुम्हारी चॉकलेटी दुनिया से विदाई, जुदाई, जुदाई। अरे भाई 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 शांत, सॉरी, तुम्हारी चॉकलेटी दुनिया से विदाई लेने का वक्त हो जाता है। बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। इस चॉकलेटी दुनिया के अंत तक तुम्हें चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री से लेके चार्ली सीक्रेट एंजल तक सबका थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो यार ये 3 साल ऐसे होते हैं जहाँ तुम्हें गधे की गांड का जोर लगाकर मेहनत करनी होती है, क्योंकि यहाँ होती है तुम्हारी पाताल लोक में एंट्री। यहाँ तो भाई पूरी दुनिया ही उल्टी होती है, तुम्हारे हालत यहाँ पे सूर्यवंशम हीरा ठाकुर की तरह होती है, और यहाँ के टीचर सर ये बेपिचोद एक दिन में 8-8 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और उसमें भी हर सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक, क्लास वर्क नोटबुक, होमवर्क नोटबुक, एक्टिविटी नोटबुक, लौड़ा लेसन सबका नोटबुक चाहिए होता है, और अगर एक भी चीज ना लेके जाओ तो बस इन टीचरों की गांड से लग जाती है। अरे भाई बच्चे हैं, मजदूर नहीं। और एक बात बताओ मेरे को, ये तुमने साला स्कूल खोला है या वृद्धाश्रम? अबे एक भी जवान टीचर नहीं, सारे 50-55 साल के उद्यमी बुढ़े होते हैं यहाँ। तो यार तुम एक दिहाड़ी पे आए मजदूर की तरह दिन रात मेहनत करते हो, और जो ये टीचर बोलते हैं उसको चुपचाप करते हो। क्यों? क्योंकि आपको चॉकलेटी वर्ल्ड में पहले ही ये सिखा दिया जाता है कि जैसा टीचर बोलेगा वैसा करने का। वो बोले पैंट खोलो तो खोलो, वो बोले झुको तो झुको, और अपना दिमाग तो बिल्कुल नहीं लगाना है, टीचर से उल्टा सीधा बिल्कुल नहीं पूछना। अबे बच्चे पढ़ा रहे हो, उठा चला रहे हो, कुछ बकायदा फीस ले रहे हो भर भर के, तो फिर मैं क्यों नहीं कुछ पूछूं? मैं क्यों चुप रहूं? मैं क्यों झुकूं? मैं क्यों खोलूं? कुछ तो मजाक चल रहा है क्या? ये क्लास वो क्लास होती है जो तुम्हारे आगे के फ्यूचर के लिए 3 दरवाजे खोलती है, जो कि है साइंस, साइंस और साइंस। What is going on here? क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडियन पेरेंट्स कॉमर्स और आर्ट्स पढ़ने वाले बच्चे निकम्मी औलाद होती है।
अब तुम अपने दिमाग और जुबान दोनों पे ताला मार के अपने ड्रीम और चॉइस का गला घोट के फिर से दिन रात मेहनत मजदूरी में लग जाते हो। तुम्हारी थोड़ी बहुत हस्ती खेलती जिंदगी कब कोलू का बैल बन जाती है इसका तुम्हें कोई आइडिया नहीं होता है। तो यार जैसे तैसे तुम ये सब बकचोदी खत्म करते हो और फिर आते हो सबसे दर्दनाक स्टेज पे, यानी लंबी जुदाई जुदाई पे माय बैड, यानी अपनी ना जाने कितने साल की दोस्ती, यादें, बकचोदियाँ, हरकतें और ना जाने क्या क्या को अलविदा कहने। तुम्हें ये पता तो होता है कि ज़िंदगी में ये दोस्त तुम्हें मिलेंगे तो ज़रूर, लेकिन कभी वैसे नहीं जैसे हुआ करते थे। वो दोस्ती नहीं रहेगी, वो पल नहीं रहेंगे, रहेंगे तो सिर्फ वो यादें। मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। ग्यारहवीं में अगर साइंस वाले रहते घर वालों का गांड तोड़ना भी ज़रूरी था। Oh my God, this is so sad. Alexa, play Despacito. जो भी था जैसा भी था स्कूल लाइफ यार काफ़ी फन था। तुमने काफ़ी कुछ नया मज़ेदार और वाहियात सब कुछ स्कूल में देखा और एक्सपीरियंस किया। तो यार फिर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो रिलेटेबल लगे तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, करो करो यार कर दो, और ये वीडियो अपने उन चूतिए दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने फन स्कूल एक्सपीरियंस भी शेयर करना, हम भी हंस लेंगे यार थोड़ा बहुत। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीचे गिरूंगा तो खाऊंगा टप्पा, बाहू बली तो फिर मैं हूं कटप्पा, छुप जाओ सारे मैं मारूंगा धप्पा, कप्पा मेरे सर पे तेरे सर पे छप्पा है सी बॉय, लगता है भपका हर बार मेरा रैप कर तू फील बॉय।